नहीं देखिए, ये हमारे मालदीव्स वाले हो या छोटे छोटे जो द्वीप्स है, आइलैंड्स है, वो किसी के अंडर में रहने दो, वो हम लोग ऐसे चीजों में सब नेबर्स एक होके काम करना चाहिए, नहीं तो बाहर के लोग आकर कब्जा करते हैं। और हम जब अपने नेबर है, नेबर के साथ ठीक ढंग से अपना बर्ताव होना चाहिए, और कोई हमारे सॉवरेंटी को धक्का दे रहा है, कोई अगर हमारी टेरिटरी में घुस रहा है, कोई अगर अपने जो हमारे सुरक्षा के लिए धक्का है, तो ऐसे लोगों को हम सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जो चीज बातों से बनती है और एक दूसरे के बातचीत से होती है, तो ऐसे में हम चुपी झगड़ा कर लेके एक दूसरे से लड़ने में कोई फायदा नहीं है। और अब हमारी जो इकोनॉमी है वो भी दुरुस्त नहीं है, दिखने के लिए दुरुस्त है, बाहर सब लोगों को बताते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में आज पैसा नहीं है। जितना उन्होंने प्रॉमिस किया, जितना उन्होंने कहा, उतना पैसा किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। बजट में जो उन्होंने कहा था, वो बजट के अनुसार पैसे नहीं रखे गए, और आज 100 रुपए में 30 रुपए खर्च हुआ है आज के दिन में। तो आप 2 महीने में क्या खर्च करेंगे? तो हर एक डिपार्टमेंट में जो बजट रखे उसका 30% भी अब खर्च नहीं हुआ, क्योंकि पैसे नहीं है। तो इसीलिए ऐसे वक्त हम लोग मिलजुल के, हमारे टूरिज्म को भी धक्का नहीं होना, और दूसरे अगर हम पर हमला करते हैं वो तो हम सहेंगे नहीं, हम बराबर गवर्नमेंट को मदद करेंगे, साथ रहेंगे। लेकिन फजूल चीजों में हाथ डाल के ये जो काम कर रहे हैं, मोदी साहब हमेशा यही काम करते हैं, और लोगों को बताने के लिए और भड़काने के लिए और इमोशनल एक क्या बोलेंगे आप, इमोशनल एक फोबिया क्रिएट करने के लिए वो करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम अपने नेबर के साथ ठीक रहना चाहिए, अगर कोई गलती करता है तो बैठ के बातचीत से सुलझाना चाहिए। अभी जो लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, इंडिया अलायंस जो आपका बना हुआ है, अभी सीट शेयरिंग का भी बातचीत चल रही है, इसके बारे में कैसा प्रिपरेशन आपका है? नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं सब मिलके काम करें, और जो इंडिया अलायंस की जो एकता है वो बरकरार रखें, और सभी नेता एक वॉइस में बात करें, और एक दूसरों के खिलाफ बात करने में कोई फायदा नहीं है। तो मेरा यही सबसे विनंती है, जैसा हम एकजुट होकर काम करते आए हैं, आइंदा भी काम करना जरूरी है, और वो काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि 2024 के इलेक्शन में हमारी सबकी एकता रहेगी, इसमें कोई यानी दो राय नहीं है। तो हम अपना पूरी कोशिश और ताकत लगा के बीजेपी को सबक सिखाएंगे। अभी सीट शेयरिंग का कब तक हो सकता है? नहीं, सीट शेयरिंग अपने अपने एरिया में वो तो कर रहे हैं, और हमारे लोग भी जिस जिस जगह जो पूछना है वो हमारी कमेटी जाके पूछ रही है, तो वो जल्द से जल्द निपटा लेंगे हम। अभी जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन है 22 तारीख को, आपका क्या स्टैंड है सर इसके ऊपर? नहीं, मैं अपनी राय परसों ही बोला हूँ,
फिर बार बार बोलता नहीं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में ये कहा हूँ कि अपनी अपनी मर्जी जो श्रद्धा है वो जा सकते हैं, बाकी के लोग जिनको इनविटेशन आया है वो अपनी राय दे सकते हैं। अब मेरे को इनविटेशन आया, सोनिया गांधी जी को इनविटेशन आया, हम तय करेंगे अप्रोप्रिएट टाइम पे। अभी जो आज है ईडी रेड्स हुआ है जो महाराष्ट्र में, जो उद्धव ठाकरे फैक्शन के कुछ लीडर्स के ऊपर, ये पर्पसली कर रहे हैं डराने के लिए। और यहाँ हमारे पास किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, ये काला धन जमाए हैं बोलते हैं, वही आदमी उनके पास जाने के बाद वो ठीक होता है। तो ये क्या है कि पॉलिटिक्स में डराना और अपने तरफ लेना, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, लीडर्स हो, तो ये ठीक बात नहीं। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कभी अपने विरोधियों पर नहीं करे, इंदिरा गांधी नहीं करी, लाल बहादुर शास्त्री नहीं करे, और अपने राजीव गांधी नहीं करे, नरसिंह राव नहीं करे। ये पर्पसली इस जमाने में क्यों हो रहा है? और वो तुम्हारे पास आके अच्छा कैसा होता है? हमारे पार्टी में रहे जब बुरा, तुम्हारे पार्टी में आने के बाद भला, ये अच्छा नहीं है। ये एक एटीट्यूड क्या है, एक डिक्टेटरशिप और डराने की कोशिश हो रही है। अभी जो सर कर्नाटक इलेक्शन और तेलंगाना इलेक्शन जीतने के बाद जो गारंटीज आप उधर लेके आए थे तेलंगाना और कर्नाटक में, वही जो है लोकसभा में करेंगे कैसा? नहीं, थोड़ा देखिए, जो नए प्रोग्राम्स तो देना पड़ता है, जो सभी लोग मान जाएंगे वो प्रोग्राम तो आएगा, और उसके अलावा भी लोगों की चिंता हमको ज्यादा है या मंदिर मस्जिदों की जगह, क्योंकि वो लोग अपने अपने लोग वो कर लेते हैं, वो उनकी आस्था का प्रश्न है। जनता के लिए क्या करना, ये प्रश्न डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में रहने वाले पॉलिटिशियंस को करना पड़ता है। हमारी को चिंता है अनएम्प्लॉयमेंट की, हमारे को चिंता है इन्फ्लेशन की, हमारे को चिंता है हमारे रुपए का वैल्यू घटते जा रहा है, हमारे को चिंता है बहुत से खाने पीने के चीज इतने महंगे हो गए हैं, कॉमन आदमी को वो कष्ट हो गया है। एक सोनिया गांधी जी का एक कार्यक्रम बोलिए, चाहे वो नरेगा हो, चाहे फूड सिक्योरिटी है, इसके वजह से लोग थोड़ा कुछ ना कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, पेट भर रहा है, लेकिन बाकी के चीज़ों को ना बच्चों को एजुकेशन बराबर मिल रहा, ना बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल से टीचर भर्ती नहीं हो रहे, हायर स्कूल में जो कॉलेजेस है वहाँ लेक्चरर्स भर्ती नहीं, तो पूरे समाज को वो तंग कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे चीजों को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।